नमस्कार, स्टेट वाइज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि लखनऊ के बटलर पैलेस कॉलोनी में आज सुबह उनका निधन हुआ है। शुक्रवार तड़ाके उन्होंने अंतिम सांस ली। कमाल खान के निधन की खबर से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। कमाल खान की पहचान एक तेज तरार पत्रकार के तौर पर थी। 61 साल के कमाल खान अपने परिवार के साथ लखनऊ के बटलर पैलेस स्थित सरकारी बंगले में रहते थे। उनकी शादी पत्रकार रुचि कुमार के साथ हुई थी। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कमाल खान एनडीटीवी के उत्तर प्रदेश ब्यूरो में कार्यकारी संपादक थे। कमाल खान बीते 3 दशकों से पत्रकारिता में थे और 22 साल से एनडीटीवी से जुड़े हुए थे। कमाल खान के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने भी दुख जाहिर किया। सीएम योगी ने कहा कि उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। पत्रकारिता की यह अपूर्णीय क्षति है। कमाल चौथे स्तंभ की निष्पक्ष पत्रकारिता के एक मजबूत प्रहारी थे। वहीं समाजवादी पार्टी के तरफ से ट्वीट कर शोक जताया गया। कमाल खान को उनकी बेहतरीन पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला था। साथ ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। कमाल खान खबर को पेश करने के अंदाज को लेकर काफी मशहूर थे और देश भर में उनके अंदाज और रिपोर्टिंग को सहारा जाता था। उन्होंने अंतिम ट्वीट जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में यति नरसिन्हा नंद अन्न जल त्याग कर हरिद्वार में गंगा किनारे बैठने को लेकर किया था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट वाइज के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।